फिल्म की शुरुआत में हम जेरी को देखते हैं, जो कि ग्रेव एनकाउंटर्स नाम के एक रियलिटी गोस्ट इन्वेस्टिगेशन सीरीज के प्रोड्यूसर होते हैं, जो शो 2003 में 7 एपिसोड्स के बाद बंद कर दिया गया था, क्योंकि 6ठे एपिसोड की शूटिंग के दौरान सारे कास्ट और क्रू मेंबर रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गए थे। लेकिन उनकी उस 70 घंटे से भी ज्यादा की फुटेज जो जेरी सबके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की गई है, उस फुटेज को 2010 में रिकवर किया गया है। अब अगले सीन में हमें एपिसोड 6, जिसका टाइटल हॉन्टेड असाइलम था, वो दिखाना शुरू किया जाता है, जहां पर शो के होस्ट लांस और बाकी 4 क्रू मेंबर्स ने मैट, हॉस्टन, शाशा और टीसी को दिखाया जाता है, और ये लोग इस एपिसोड की शूटिंग के लिए कॉलिंगवुड साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में आए हुए होते हैं। अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने सभी 5 एपिसोड्स फेक बनाए थे, मतलब कि ये लोग कोई भी गोस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे। फिर लांस वहाँ के इतिहासकार गैरी का इंटरव्यू लेता है, जो उसे बताता है कि इस कॉलिंगवुड असाइलम को साल 1893 में बनाया गया था, और उस वक्त मेंटल पेशेंट्स को असाइलम में भर्ती तो कर दिया जाता था, लेकिन उनका कोई खास इलाज नहीं किया जाता था। इस हॉस्पिटल की हालत उस समय बहुत ही बुरी थी, क्योंकि वहाँ पर मरीजों को ना तो खाना और ना ही कपड़े दिए जाते थे, ऊपर से ना ही कोई उनकी देखभाल भी किया करता था। आगे गैरी ये भी बताते हैं कि इस हॉस्पिटल को उस समय डॉक्टर आर्थर चलाते थे, जो कि मरीजों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करके उन पर रिसर्च किया करते थे। लेकिन फिर 1948 में एक मरीज ने डॉक्टर को चाकू से मार दिया और वहाँ से भाग गया, जिसके बाद से हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर वही डॉक्टर आर्थर के घिनौने एक्सपेरिमेंट की वजह से कई मरीज तड़प तड़प कर वहाँ पर मर गए थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उन सभी पेशेंट्स की आत्माएं आज भी इस हॉस्पिटल में भटक रही है। इसलिए वहाँ के लोकल लोगों के अनुसार अगर कोई भी उस हॉस्पिटल में कदम रखता है तो उसको भी वो सारी आत्माएं उसी तरह टॉर्चर करती हैं, और उस शख्स को वहाँ से निकलने के लिए या तो पूरी तरह ठीक होना होगा या फिर मरना होगा। लेकिन लांस और उसकी टीम को ये सब बातें बचकानी लगती है, वही उन्हें एपिसोड तो बनाना ही था, इसलिए वो सब हॉस्पिटल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें डेथ अवेट्स लिखा हुआ मिलता है, जिसका वो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर सभी लोग अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर हर जगह कैमरा लगा देते हैं। इसके बाद वो वहां के ग्राउंड कीपर से उन्हें रात भर दरवाजा बंद करने के लिए कहते हैं, जिसको वो सुबह 6 बजे खोलकर उन्हें बाहर निकाल ले, और वो ग्राउंड कीपर उनकी बात मानकर दरवाजा बंद भी कर देता है। जिसके बाद फिर लांस इस बारे में कैमरा की तरफ देखकर बताता है कि वो लोग पूरी रात अंदर बंद रहेंगे, और वो ये भी दिखाता है कि यहाँ सारी खिड़कियों पर कितने मजबूत बार्स लगे हुए हैं, जिनको तोड़ना नामुमकिन है, और अगर वो यहाँ से रात को भागना भी चाहे तो वो चाहकर भी नहीं भाग सकते। फिर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं, जहाँ पर साशा एक टेप रिकॉर्डर निकालकर उसमें रिकॉर्डिंग करने लगती है, और उसके जरिए वहाँ स्पिरिट से कुछ सवाल पूछने का नाटक करती है। अब उसके ऐसा करते करते करीब 4.5 घंटे बीत जाते हैं, और फिर अब हम पहली बार पैरानॉर्मल घटना को उनके कैमरा में रिकॉर्ड होते देखते हैं, जहाँ एक खिड़की अपने आप तेजी से खुल जाती है। वहीं इधर हम टीसी को देखते हैं, जो अपने कैमरा को लेकर वहाँ घूम रहा होता है, जिसे लेकर वो एक बाथरूम में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही ठंड महसूस होती है, और तभी बाथरूम का दरवाजा भी अचानक से बंद हो जाता है। जिस घटना को टीसी अपने कैमरा में कैद तो कर लेता है, लेकिन इससे वो बुरी तरह डर भी जाता है, और फिर वो इस फुटेज को सबको दिखाता है, जिसे देखकर सभी एकदम उत्तेजित हो जाते हैं कि पहली बार किसी एपिसोड में सच में कोई पैरानॉर्मल घटना घटी है, जो कि लांस के हिसाब से एक अच्छी बात है। अब इसके बाद एक इनविजिबल फोर्स शाशा के बाल को हवा में उड़ाती है, जिससे बेचारी शाशा भी डर जाती है, और अब इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये जगह सच में हॉन्टेड है। साथ ही साथ उनको अब इनफ फुटेज भी मिल गए थे, इसलिए अब वो लोग उसी हॉस्पिटल में एक जगह जाकर सब कुछ पैक करने लगते हैं, और तब तक घड़ी में 6:15 हो जाते हैं। लेकिन वहाँ के गार्ड को 6 बजे आकर उनका दरवाजा खोलने को कहा गया था, पर वो अभी तक नहीं आया था, जिसकी वजह से अब ये थियरी उठती है कि इस हॉस्पिटल में समय अलग गति से चलता है, जिसका सबूत हमें शुरुआत में मिला था, जब शुरुआत में जेरी ने कहा था कि वो लोग रात में ही उस हॉस्पिटल से गायब हो गए थे, लेकिन उनके कैमरे से पूरे 70 घंटे की फुटेज मिली थी। इधर घड़ी में 6:15 का समय देखने के बाद वो लोग खुद यहाँ से निकलने का तय करते हैं, और बाहर जाने का रास्ता तुरंत ढूंढने लगते हैं, जहाँ अब उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये हॉस्पिटल लगातार अपनी जगह बदल रहा हो।
पर किसी तरह वो उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जिसके थ्रू वो लोग अंदर आए थे और जिस दरवाजे पर वो ही डेथ अवेट्स लिखा हुआ था। लेकिन वो दरवाजा लॉक होता है। फिर वो लोग उस दरवाजे को तोड़कर देखते हैं पर उसके पार जाने का रास्ता नहीं बल्कि हॉस्पिटल ही था। दरअसल ये हॉस्पिटल हर पल अपने स्ट्रक्चर को बदल रहा था क्योंकि इसकी दीवारें लगातार अपनी जगह बदल रही थी, जिसका उन्हें तब पता चलता है जब वो लोग फायर एग्जिट का रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन सीढ़ियों के ऊपर दीवार थी जहां दरअसल दरवाजा होना चाहिए था। अब इवेंचुअली वो लोग समझ जाते हैं कि वो अपनी मर्जी से यहां से बाहर नहीं निकल सकते और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उन लोगों की दिमागी हालत बिगड़ने लगती है और उनके साथ कई सारे पैरानॉर्मल घटनाएं भी घटने लगती है। इसी तरह वो वहां पर 40 घंटे से भी ज्यादा बिता देते हैं और वहीं अब मैट वहां से गायब हो जाता है, जिसको वो सभी ढूंढने का फैसला करते हैं। और काफी ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें मैट अचानक से किसी तरह भागते हुए दिखाई देता है, जिसके पीछे वो लोग भी जाते हैं। पर तभी उन्हें कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई देती है जो कि जैसे ही इन लोगों की तरफ मुड़ती है उसका चेहरा एक शैतान में बदल जाता है, जिसको देखकर सभी वहां से डर के भाग जाते हैं। और इसी भाग दौड़ में हॉस्टन अचानक से उनसे अलग हो जाता है, जो अलग होने के कारण बहुत ही डरा हुआ था। और जब वो अंधेरे में अकेला होता है तभी अचानक से एक स्पिरिट उस पर हमला कर देती है और उसका गला पकड़कर उसके शरीर को आसानी से हवा में उठा देती है, जिस वजह से हॉस्टन की वहीं मौत हो जाती है। आगे हमें लांस और बाकी सबको दिखाया जाता है और इन लोगों को हॉस्टन के साथ क्या हुआ इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। अब हम देखते हैं कि इतने देर तक जागने के कारण सभी को थोड़ा नींद आ जाती है और जब कुछ देर बाद वो जागते हैं तो उनके हाथ में उस हॉस्पिटल के रिस्ट बैंड बंधे होते हैं जिनमें उन सबके नाम लिखे हुए थे, मतलब कि अब ये लोग वहाँ के मरीज बन चुके हैं और इन सबको अब डॉक्टर आर्थर के दर्दनाक इलाज से गुजरना पड़ेगा और अगर वो ठीक हुए तो तभी वो यहाँ से निकल सकते हैं। अब ये सब जानने के बाद वो लोग यहाँ से निकलने की आखिरी कोशिश करते हैं पर तभी एक जगह से दो हाथ निकलकर शाशा को पकड़ लेते हैं, लेकिन सभी मिलकर शाशा को किसी तरह छुड़ा लेते हैं। पर अब शाशा इन सब चीजों से बहुत ही डर चुकी थी और तभी टीसी उन लोगों को आवाज देकर बुलाता है, जहां पर उन्हें मैट अंधेरे में बैठा हुआ दिखाई देता है जो कि डर के मारे काफी सहमा हुआ था और उसने अब वहां के मरीज जैसे कपड़े पहने हुए थे। फिर सभी मैट से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैट कुछ अजीब ही पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था और वो सबसे वही बात बताता है कि उन सबको अब डॉक्टर आर्थर के ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा, जिनके परमिशन के बिना कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। फिर अगले सीन में हम उन सबको मैट के पास आराम करता हुआ देखते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर तभी शशा जोर से चिल्लाती है जिससे सभी जाग जाते हैं और अब वो देखते हैं कि वहां की दीवारों से ढेर सारे हाथ निकलने लगे हैं जो उन सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे सभी किसी तरह बचकर उस कमरे से भागकर किसी दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां दरअसल एक बाथटब रखा हुआ था जिसमें एक पागल औरत की डूबकर मौत हुई थी। इतना कम नहीं कि तभी अचानक से मैट उस टब की तरफ अट्रैक्ट होकर उसे घूरने लगता है, जिसको देखने के लिए टीसी उसके पास जाता है पर तभी उस बाथटब में खून भर जाता है और फिर एक लेडी उसके अंदर से निकलकर टीसी को अपने साथ बाथटब में खींच लेती है और फिर उस लेडी के साथ किसी भी कहीं गायब हो जाता है। अब ये सब भयानक देखकर वो सभी उस रूम से बाहर निकल आते हैं, जिसके सामने अब उन्हें एक लिफ्ट दिखाई देती है जो उनकी लाखों कोशिशों के बाद भी नहीं खुलती। इसलिए अब लान शाशा को मैट के साथ वहीं रुकने को कहता है और खुद जाकर एक बेड के नीचे से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने के लिए लकड़ी निकालता है, पर तभी उसकी नजर नीचे पड़ी किसी की कटी हुई जीप पर पड़ती है और फिर वो जब ऊपर सीलिंग की तरफ देखता है तो वहां उसे एक अजीब सा भूत दिखाई देता है, जिससे कैसे तो करके वो बचकर भागता है और मैट और शाशा के पास पहुंचकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब काफी कोशिश करने के बाद भाग्य से वो दरवाजा अंत में खुल जाता है, लेकिन फिर अचानक से लैंस को किसी की आवाज आती है जिस पर फिर वो अपने कैमरा को नाइट मोड में करके उस तरफ देखता है और फिर तभी अचानक में वही गोस्ट उन पर हमला करता है, जिसको लैंस और शाशा मिलकर हॉल के अंदर बंद करने में कामयाब होते हैं। इधर मैट लिफ्ट की शाफ्ट से
कूदकर आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो अब और टॉर्चर नहीं सह सकता था। उधर शाशा और लांस लिफ्ट की शाफ्ट की सीढ़ियों की मदद से उस हॉस्पिटल की एक टनल में पहुंच जाते हैं जिसके जरिए वो लोग वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन हॉस्पिटल हर पल अपना स्ट्रक्चर बदल रहा होता है जिससे वो टनल बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है जिसमें बेचारे दोनों चलते रहने के कारण थक जाते हैं जिससे शाशा की तबीयत अब बिगड़ने लगती है और अब उसके मुंह से खून भी बहने लगता है। इसलिए वो लोग वहां पर थोड़ी देर रुकने का फैसला करते हैं। वहीं हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो लोग करीब 24 घंटों से चल रहे हैं और इतने थके होने के कारण अंत में उनकी आंख लग जाती है और तभी वहां पे अचानक से धुंध छाने लगती है जिसके छटते ही शाशा भी वहां से गायब हो जाती है और अब लांस अकेला ही बचता है। वो अब इन सबसे तंग आकर अपना टेप रिकॉर्डर निकाल कर उसे ऑन करता है और उन सब आत्माओं से सवाल करता है कि वो आखिर चाहती क्या है, जिसके बाद वो टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड करके सुनता है जिसमें उसे काफी सारे रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है जो उससे मदद की मांग कर रही थी। इसलिए अब लांस वहां से आगे बढ़ने का तय करता है जहां उसे फिर से वही सब आवाजें सुनाई देने लगती है। इसलिए अब लांस उन सबसे कहता है कि वो लोग उसे भी आकर ले जाए। जितना कहने पर अब वो अजीब तरह से हंसने लगता है जिससे अब हम साफ समझ पाते हैं कि अब लांस का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक दूसरी ही जगह पाता है जहां उसे सामने एक दरवाजा दिखाई देता है जिसमें वो बिना सोचे समझे प्रवेश कर जाता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये डॉक्टर आर्थर का ऑफिस है। वहां फिर लांस को जमीन पर किसी तरह के रिचुअल से जुड़ी चीजें मिलती है, साथ ही साथ उसे एक किताब भी मिलती है जो किसी प्राचीन भाषा में लिखी हुई थी। और अब हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर आर्थर यहाँ पर मरीजों के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक या डेमोनिक रिचुअल करता था और शायद यही वजह है कि इस जगह इतनी सारी स्पिरिट्स आज भी भटक रही है। पर तभी लांस को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है जहाँ पर उसे डॉक्टर आर्थर और कुछ नर्सेस किसी का ऑपरेशन करते हुए दिखती है जिन्हें देख कर वो एकदम डर जाता है। और तभी डॉक्टर आर्थर की स्पिरिट अचानक से लांस पर हमला भी कर देती है जिससे लांस का कैमरा वहीं गिर जाता है। लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज अब भी आ रही होती है और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब आखिरी सीन में हम लांस को देखते हैं जो अपने कैमरे में बताता है कि डॉक्टर आर्थर ने उसका ट्रीटमेंट किया है और उसको यहाँ से जाने की परमिशन दे दी है। इसके बाद लांस अपने शो की सिग्नेचर लाइन्स कहता है, फॉर ग्रेव एनकाउंटर्स दिस इज लांस साइनिंग ऑफ। और इसी इनकम्प्लीट एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो कि इसका प्लॉट थोड़ा इनकम्प्लीट था इसीलिए इसका दूसरा पार्ट भी बनाया गया है जो यदि आपको देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ऐसे ही पर इससे भी थोड़ी बेहतर मूवी देखनी है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है जो काइंड ऑफ इसी स्टोरी के अराउंड है पर उसकी कहानी इससे थोड़ी स्ट्रांग है, जिसे देखना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।